गांव में दिनेश और गायत्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके मालिनी और चंदू नामक दो बच्चे भी थे। दिनेश एक छोटा नौकरी करता था और उसी से आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। ऐसे उनका परिवार खुश रहता था। एक दिन दिनेश हमेशा की तरह कार्यालय में अपना काम कर रहा था, जब उसे अपने सहयोगी के वजह से नौकरी से निकाला गया था। उसे नौकरी से निकाल देने पर वो रोज आने के समय से पहले ही घर पहुंच जाता है, किसी से बात नहीं करता है और उसके कमरे में बैठ जाता है। उसे ऐसे देख उसकी पत्नी उसके पास जाके पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हैं? कुछ नहीं, तो ऐसे दुखी क्यों बैठे हैं? दिनेश बिना कुछ बोले शांत रह जाता है। अगर मैं बार बार पूछूंगी तो शायद उन्हें और दुख पहुंचेगा, धीरे से बाद में पूछूंगी, ऐसे सोचकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन वो नौकरी पे नहीं जाता है और दुखी होकर अपने कमरे में ही बैठे रहता है। कम से कम अब तो बोलिए कि आप नौकरी को ना जाके ऐसे घर पे ही क्यों बैठे हैं? इतने दिन नौकरी के वजह से ही अपने परिवार की देखभाल कर पाया हूँ, मगर अब वो नौकरी ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसे बहुत दिन तक अपने पति को किसी से बात किए बिना दुखी रहते देख नहीं पाती है। किसी के नीचे काम करने के वजह से ही इन्हें निकाल पाए हैं ना? खुद से व्यापार करने का कोई तरकीब निकालना होगा, ऐसे सोचती रहती है। हाँ, ये तो एक अच्छा तरकीब है, ऐसे ही करना भला है। ऐसे एक योजना सोच के अपने पति को बताने जाती है। सुनिए, अब आपको ऐसे दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है। सब कहते हैं ना कि मैं रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं आज से रसगुल्ला बना के आपको दूंगी और आप जाके उसे बेचिए। आपको अब से नौकरी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा योजना है। पति पत्नी दोनों उनकी योजना के अनुसार करते हैं। गायत्री रसगुल्ले बनाती है और दिनेश उन्हें बेचने जाता है। व्यापार अच्छा चलने पर और बहुत पैसे आने पर दिनेश बैठ के सारे पैसों का गिनती करते रहता है। पैसे तो बहुत आ रहे हैं, अब से मुझे हर रोज जाके रसगुल्लों को बेचने की कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक भी बार जाके बेचूं तो बस है, आए हुए पैसों से खुश रह सकते हैं। ऐसे सोचकर अगले दिन जब उसकी पत्नी रसगुल्ले तैयार करके रखती है तो वो अखबार पढ़ते रहता है। मैंने रसगुल्लों को बहुत पहले तैयार कर दिया है जी, अब तक आप नहीं गए। आज से रसगुल्ले हर रोज बना के रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिस दिन कहता हूँ उसी दिन बनाऊँ तो काफी है। आज मैं रसगुल्ले बेचने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अरे रे, तो फिर आज बनाए हुए रसगुल्ले व्यर्थ हो जाएंगे ना, आज के लिए इनको बेच दीजिए ना। मुझे पूछे बगैर तुमने रसगुल्ले क्यों बनाए, इसीलिए इन्हें बेकार ही होने दो। ऐसे गुस्से में उसकी पत्नी से कहता है और उन रसगुल्लों को बेचने बाहर जाता है। तब से उसके विचार के अनुसार ही तभी रसगुल्ले बनवा के बेचने जाता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। एक दिन गायत्री के पास एक आदमी आता है। जी, कौन है आप, किसके लिए आए हैं? माता, मेरा नाम आदित्य है, मैं पड़ोसी गांव में रसगुल्ले बेचता हूँ। जब मैंने सबको पूछा कि रसगुल्ले कौन अच्छा बनाता है, तो एक औरत ने आपका नाम लिया, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आया। आप मुझे हर रोज ऐसे रसगुल्ले दे सकते हो? क्या मैं इस आदमी को रसगुल्ले बना के दूं या नहीं, लेकिन पड़ोसी शहर में ही तो बेचेगा ना? ऐसे सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ माता, आप मेरे पूछे हुए सवाल का जवाब दिए बिना सोच में पड़ गए? क्या मुझे रसगुल्ले बना के देने में आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो बोल दीजिए, हम उसका हल ढूंढेंगे। लग रहा है कि ये आदमी अच्छा ही है, अगर मैं इनको मेरे पति के बारे में बताऊंगी तो शायद हम दोनों मिलके उनमें बदलाव ला सकेंगे। आप किस बारे में इतना सोच रही हैं? मेरे पति भी आप ही की तरह इस शहर में रसगुल्ले बेचते हैं। ऐसे उसको उसके पति के बारे में बताती है और आदित्य सोच में पड़ जाता है। माता, आपके पति को बदलने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, मैं निश्चित रूप से उनमें बदलाव लाऊंगा।
आप बस मुझ पे भरोसा रखें, रसगुल्ले बना के दे दीजिए। ऐसे वो रसगुल्ले लेकर उसी गांव में दुकान लगा के बेचने लगता है। इतने में पैसों की जरूरत होने पर दिनेश उसके पत्नी से रसगुल्ले बनवा के बेचने गांव में जाता है। सारा गांव घूमने पर भी कोई उससे रसगुल्ले नहीं खरीदता है और उल्टा उससे किसी और के रसगुल्ले के दुकान के बारे में गांव वाले बताते हैं। इससे वो घर वापस दुखी लौट आता है। क्या हुआ जी, आप दुखी क्यों हो? कोई इसी गांव में रसगुल्लों का दुकान लगा के बेच रहा है। गांव वाले उसी से खरीद रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट है। ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। अगर मैं हर रोज रसगुल्ले बेचने जाता तो ये दिक्कत नहीं आती। पैसों की कमी ना होने पर मैंने हर रोज जाना बंद कर दिया और कभी कभी ही बेचने जाता हूँ। इसी समय में किसी और ने मौका देखा और हर रोज रसगुल्ले बेचने लग गया। ऐसे कह के तब से हर रोज गांव में जाके रसगुल्ले बेचने लग जाता है। हमेशा की तरह सभी दिनेश के पास नहीं आए, पर भी व्यापार उसका ठीक ही चल रहा था। आदित्य जब गायत्री के बनाए हुए रसगुल्लों को लेने आया था तो वो गायत्री को दुखी देखता है। अरे क्या हुआ माता, ऐसे दुखी क्यों है आप? कुछ नहीं जी, मेरे पति के बारे में मैंने तो बताया ना आपको, वो आजकल सुधर गए हैं और हर रोज रसगुल्ले बेचने गांव जा रहे हैं। मगर किसी और ने हमारे ही गांव में रसगुल्लों का दुकान लगाया और इसकी वजह से उनका व्यापार पहले जैसे अच्छा नहीं चल रहा और वो दुखी हैं। माता आपको याद है मैंने कहा था कि आपके पति में मैं बदलाव लाऊंगा? उस नए दुकान को मैंने ही लगाया, ये सब मैंने आपके पति को बदलने के लिए ही किया। अब जब वो सुधर गए मैं वापस अपने गांव जाके हमेशा की तरह अपना दुकान चलाऊंगा। आप अब इसके बारे में मत सोचिए। ये कह के उससे रसगुल्ले लेके उस गांव में से दुकान निकाल के अपने गांव में लगाता है। तब से दिनेश के रसगुल्लों का दुकान हमेशा की तरह भीड़ से भरी रहती थी क्योंकि सारे गांव वाले उसी के पास आने लगे। वो तो मेरी किस्मत है कि उस आदमी ने उसका दुकान निकाल दिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब से मैं किसी और को ऐसे मौका नहीं दूंगा और हर रोज रसगुल्ले बेचने आऊंगा। उस दिन से दिनेश ध्यान से रसगुल्ले बेच के अपने परिवार के साथ खुश रहता था। और इस कहानी का नैतिक क्या है? आलस सबका दुश्मन है। अगर हम हमारा काम गर्व के वजह से ढंग से नहीं करेंगे तो कोई और हमारा मौका छीन लेगा।